नमस्कार, खिलाड़ी नंबर वन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। करीब करीब 36 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक रेंज के अंदर ही इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और 22,140-141 के जोन्स में निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। लाइक वाइज सेंसेक्स भी करीब 113 अंक ऊपर कामकाज करते हुए और निफ्टी बैंक फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट। करीब 2 अंकों के आसपास ही गिरावट निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल फ्लैट निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी है, 1/14% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली 113-114 अंक ऊपर। और स्मॉल कैप इंडेक्स एज वी स्पीक अराउंड डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए, करीब 14212 का हाई है और 16212 का, माफ कीजिएगा, और 16200 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। इसकी वजह से आपको एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस बेटर दिखेंगे। 1716 शेयर तेजी में है और 560 शेयरों में बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। की कंट्रीब्यूटर में M&M है, आज 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। रिलायंस है 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, L&T 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन और NTPC 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। गिरने वाले शेयरों में ICICI बैंक, TCS, एक्सिस बैंक, सिप्ला, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि आज नेगेटिवली सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं और बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फायरवर्क नहीं, बट स्मॉल कैप आज फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा है। कैश मार्केट के शेयरों में अच्छी खरीदारी है। तीन जानकार हमारे साथ इस पूरे हफ्ते पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्रजेश आयल हैं, ओम मेहरा है और प्रशांत सावंत हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनके ट्रेड्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनके रिटर्न्स को लेकर भी। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रशांत 3% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ डे वन में लीड कर रहे हैं। ओम मेहरा का रिटर्न सो फार 1.5% के आसपास है और ब्रजेश का रिटर्न करीब करीब 0.5% के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो मोर लेस पहला सत्र था और थोड़ा चॉपी सेशन था, सो अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसे यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ती हैं। आप तीनों को नमस्कार और आप तीनों का स्वागत है। बातचीत करने से पहले एक बार तीनों की जरा टॉप कॉल्स है वो भी कोई स्क्रीन पर ले आइए, किस तरह की वहाँ पर सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़ी। अच्छी कॉल्स थी, हुडको जैसी कॉल्स भी आते हुए दिखाई पड़ी, जहाँ पर बढ़िया कॉल थी ओम की तरफ से। इसके अलावा जी शिपिंग 1045 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय यहाँ पर ब्रजेश की तरफ से आई है। और मोइल 2.5% के पॉजिटिव रिटर्न करीब करीब 495 के टारगेट्स के लिए, ये प्रशांत की तरफ से कॉल आते हुए दिखाई पड़ी है। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू मैं आपसे चाहूँगा, खासतौर से शुरुआत करता हूँ प्रशांत के साथ। प्रशांत, मार्केट्स में आज है तो रेंज बाउंड ट्रेड, लेकिन एटलीस्ट उसी जोन के आसपास है जो जोन मार्केट कंफर्टेबली देख रहा है, एटलीस्ट अभी के लिए करीब करीब 22,150 के आसपास। तो अगर यहाँ से और ज़्यादा डिक्लाइन तो शायद थोड़ा और मार्केट डाउन साइड दिखाए, वही अपना 21,850 के अराउंड, या तेजी तो 22,500-22,600। सो आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को, क्या करें? सुमित जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो यहाँ पे जो कल का लो बना हुआ है निफ्टी स्पॉट पे, जो करीबन ऑलमोस्ट 21,800 मान के चलेंगे, वो बहुत ही अहम होगा इस स्विंग के लिए। और जहां तक ऊपरी लेवल की बात है, तो मेरे हिसाब से सबसे जो अहम लेवल है वो है 22,240 स्पॉट में। इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है अगर इंडेक्स में कोई फ्रेश लॉन्ग्स बनाने हैं। तो कहा कि यहाँ से 90 पॉइंट की दूरी है, बट ये क्लोजिंग बेसिस पे बहुत जरूरी होगा। अगर हम इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो मुझे लग रहा है 200-250 पॉइंट निफ्टी में हमें कंफर्टेबली बहुत जल्द मिल सकते हैं। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि निफ्टी का जो स्पॉट है वो 22,240 के ऊपर क्लोज हो जाए, तब मैं लॉन्ग जाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 22,175-60 के आसपास और मेरा टारगेट वहां से होगा 22,400-22,450 तक। याद रखना ये पुल बैक ट्रेड होगा, तो वो हिसाब से ही प्लान करना होगा। अभी तक कोई हमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, तो 22,240 के ऊपर क्लोज के लिए वेट निफ्टी में। और बैंक निफ्टी तो बहुत क्लियर चीज है कि 48,200 स्पॉट में जब तक क्लोज ना हो, ऑलमोस्ट 20 दिनों की एवरेज भी वही पे और ये एक अहम लेवल भी है, वहां एक गैप रेजिस्टेंस भी है, तो इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ही फ्रेश लॉन्ग्स के बारे में सोचना चाहिए। बट स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक काफी अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां फोकस करना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज को आप इनकैश करेंगे। ओम, आपका रिव्यू क्या है मार्केट्स को लेकर, खास तौर से जिस तरह की सिचुएशन से भी रेंज बाउंड ट्रेड की और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी, गुड मॉर्निंग सुमित जी और गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पे मार्केट आज काफी एक सहमत, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन डाउन साइड में भी नहीं दिखा हमें, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन निफ्टी चूंकि एक थोड़ा सा मोस्ट प्रोबेबली ऑटो सेक्टर से यहाँ पे थोड़ी अच्छी हमें बाइंग देखने लगी थी और मोस्टली जो हेवी वेटेड इंडेक्स रिलायंस और SJVN ये थोड़ा स्टेबल है, इनमें यहाँ पे ज्यादा बिकवाली नहीं देखने को मिली है। तो कंपैरेटिवली निफ्टी यहाँ से थोड़ा हमें स्ट्रांग दिख रहा है और आज के यहाँ से अगर यहाँ पे अगर हम बाइंग करने का अगर हम देखते हैं तो 22,000 अभी लगभग 22,150 के आसपास यहाँ पे लेवल चल रहा है, तो अप्रोक्स हम 50-60 पॉइंट का एक मूव यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट ने थोड़ा गिरावट के बाद एक थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे स्टेबल नजर आ रहा है।
तो 22,100 के आसपास यहाँ पे एक कहीं भी एक थोड़ा सा हमें अगर डाउनफॉल मिलता है तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। वहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे बिल्कुल अनडिसिजनेस यहाँ पे है, बिल्कुल फ्लैट चॉपी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर इसमें ड्रॉडाउन यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे थोड़ा सा, तो 47,500 का अगर यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे अगर टूटता है तो यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पे इसका अपर साइड में 48,000 यहाँ पे क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मोर और लेस यहाँ पे 300 350 पॉइंट है कि यहाँ पे रेंज काफी यहाँ पे हमें देखने को मिल पा रहा है। तो इसके लेवल के अगर ऊपर ही या फिर नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल यहाँ पे ऑलरेडी विक्स 20 के ऊपर ये है, हम लगातार 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं। तो अचानक से जो मूवमेंट आता है वो काफी स्पाइक वाला मूवमेंट हमें आता है, जिनमें से अगर निफ्टी में अगर अगर सुबह के सत्र में भी हमने देखा कि जहाँ पे फॉल देखा तो बिल्कुल जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो अचानक से बिल्कुल ट्रेंड अपना चेंज हो जाता है वहां से डाउन साइड में। और अगर बाइंग भी आती है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जितनी वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पे अगर हमें देखने मिलेगा तो जी हम अभी हाँ, भी फिलहाल एक लार्ज कैप की ओर ज्यादा हम रुख करेंगे अभी ओके फिलहाल के ओके लिए। ओके। ब्रजेश, आपका व्यू क्या है मार्केट्स पर, खास तौर से अभी अभी एक बाइंग भी आई है, एक स्पाइक भी आया है, आप कैसे देख रहे या मॉर्निंग सुमित जी। सो बेसिकली मैं दो व्यू लेके बताता हूँ आपको। मेरा डायरेक्शनली व्यू मैं अभी भी कॉशियस लेके चल रहा हूँ, हो? क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वापस हम लोग सपोर्ट्स को रीटेस्ट कर सकते हैं। बट हालांकि कल के दिन में जिस हिसाब से मार्केट ने सपोर्ट लेके फिर एक बाउंस आया, तो हम आज के डे स्पेसिफिकली हम बाउंस देखेंगे। प्रशांत ने जैसे बताया 22,240 से लेके 22,300, ये एक बाउंस है जहां पे मुझे लगता है कि ये लेवल्स आज या कल में हमने को देखने को मिल सकते हैं। और 48,200 का जो लेवल है बैंक निफ्टी, ये दोनों प्रिसाइज लेवल मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये हम पहले बाउंस देखेंगे मार्केट में। सो यहाँ पे कॉशियस होना है, हम वो काफी छोटे ट्रेडिंग मूव के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए। पोजिशनल बेट्स के लिए मैं अभी भी मैं नहीं मेरा मुझे नहीं लगता कि पोजिशनल बेट्स के लिए हमें अभी कुछ राय लेनी चाहिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी अभी भी काफी हाई है। इंडिया विक्स को 15 के नीचे सेटल होना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे स्टेबिलिटी आएगी। जब तक 15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 15 भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, थर्टीन जी थर्टीन थर्टीन के नीचे आना चाहिए, तब उसमें स्टेबिलिटी आएगी। आज और कल के लिए हम बाउंस बैक देखेंगे। डायरेक्शनली व्यू कॉशियस ही रहेगा, बाउंस में पोजीशंस एग्जिट करिए, एक या दो दिन इंट्राडे के हिसाब से आपको तेजी करना तो तेजी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शनली कॉशियस रहेगा। ओके चलिए, तो आपके सामने मार्केट्स के व्यू आपने सुने। करीब करीब डे हाई की तरफ वापस अब निफ्टी जाने की तैयारी कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडली एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बातचीत करूंगा अपने तीनों जानकार से और उनसे कॉल्स भी लूंगा, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी की आय 7% और ईबिटा 12% बढ़ा है, मार्जिन भी करीब 1% बढ़ा है। हालांकि मुनाफे में 11% के आसपास की गिरावट और 132 करोड़ रुपये के आसपास का मुनाफा रहा। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD राजेंद्र वी गोगरी सर मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। राजेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये सिनेरियो थोड़ा सा क्रूशियल था क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान रहे थे कि शायद इस क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर में थोड़ा इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज होगी, चीज़ें स्टेबलाइज होंगी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स में पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिचुएशन यहाँ से एटलीस्ट और वर्सन नहीं होगी, या तो स्टेबल होगी या बेटर होगी। आप क्योंकि सिस्टम में हो, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, तो अभी क्या सिनेरियो है इंडस्ट्री का, क्या सिचुएशन है और आरती इंडस्ट्री ने पर्टिकुलरली कैसे परफॉर्म किया इस क्वार्टर में? या इस क्वार्टर में जो हमने गाइडेंस दिया था वो हिसाब से नो वी हैव बीन एबल टू परफॉर्म। 952,000 करोड़ का गाइडेंस था एंड Q3 के बाद नो टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स 1,000 करोड़ एबिटा का एनुअल गाइडेंस जो था, सो दैट यू नो वी हैव बीन एबल टू मीट। एंड इन जनरल जो डिस्क्रिशनरी टाइप प्रोडक्ट में जो डिमांड रहती है दैट इज काफ़ी रिकवरी हुई है, लेकिन एग्रोकेमिकल सेक्टर में अभी भी प्रेशर है। सो आई थिंक वो एक कंटिन्यूटी रहेगी। सो FY25 में डिस्क्रिशनरी के डिमांड तो आई थिंक सब पूरी स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन एग्रोकेमिकल को और सेकेंड हाफ तक आई थिंक थोड़ा समय लगेगा फ्रॉम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू। तो तो जी ओवरऑल काफ़ी हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी साइजेबल वॉल्यूम और एबिटा ग्रोथ इन FY25 ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। राजेंद्र सर, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो जिसमें एग्रोकेमिकल जिसकी आप अभी बात कर रहे थे और फार्मास्यूटिकल,
दोनों की डिमांड सेकेंड हाफ में यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो FY25 है इसमें पिकअप होनी चाहिए, एक दूसरा थोड़ा सा रेड सी को लेके कंसर्न रहा है जिसकी वजह से आपकी इनपुट कॉस्ट थोड़ी बढ़ी हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी थी, वो स्टेबलाइज हो जाएगी क्या FY25 के फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे उसको स्टेबल होते हुए या अगले क्वार्टर तक? जनरली जो हमारा एक्सपोर्ट का फ्रेट रहता है वो पास ऑन टाइप रहता है, तो ऑब्वियसली फ्रेट का और शिपिंग टाइम का इम्पैक्ट आया है, बट आई थिंक दैट वी आर जनरली एबल टू पास ऑन टू द कस्टमर्स। जी, और दूसरा ये एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल को लेकर कैसी डिमांड आप देख रहे हो FY25 में? हाँ, फार्मा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, एग्रो भी सेकेंड हाफ तक तो आई थिंक सब नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए जो भी इन्वेंट्री करेक्शन सब है। आई थिंक अभी जो फीडबैक मिल रहा है उसका हिसाब से सेकेंड हाफ तक नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। ओके, आपने अभी कहा कि नई कैपेसिटी के ऊपर आप काफ़ी काम कर रहे हो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, खास तौर से एंटी या एथाइलेशन का जो एक्सपेंशन है वो किस तरह की सिचुएशन से है और कौन कौन सी कैपेसिटीज कितनी एक्सपेंड करोगे आप? हाँ, इथिलेशन का हम प्लांट करीब 3 times कैपेसिटी कर रहे हैं अभी करंटली जो है उससे 3 times, और नाइट्रोटोल्विन भी अराउंड 25,000 to 45,000 टन की कैपेसिटी कर रहे हैं और वो सेकेंड क्वार्टर तक लाइन में आ जाएगी उसकी कैपेसिटी। ओके, और ये जो सर आपने झगड़िया में जो साइट डेवलपमेंट वर्क चल रहा है रफली 2500 to 3000 crore रुपए के आसपास एक केपेक्स जिसकी बात की है, ये केपेक्स कब तक हम देखेंगे बुक्स में आता हुआ या कब तक नंबर्स में आएगा ये? हाँ, उसका कमिशनिंग सब FY26 में चालू हो जाएगा, सो उसका सब बेनिफिट्स एंड ऑल यू नो विल स्टार्ट FY26 ऑनवर्ड्स सेल्स और एबिटा में उसका इम्पैक्ट आना चालू हो जाएगा। तो राजेंद्र सर, जो FY24 के लिए आपने गाइडेंस दी थी EBITDA फ्रंट पे आपने उसको बीट भी किया है, FY25 के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करके चले हैं जो शेयर होल्डर आपको सुन रहे हैं कि किस तरह की गाइडेंस आप लेके चलोगे FY25 के लिए? वो 1450 to 1700 crore का गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये साल थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे जो नए एक्सपांशन है उसका स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो अभी हमने थोड़ी वाइड रेंज रखी है, एज वी मूव फॉरवर्ड आई थिंक थोड़ी हम फर्दर फाइन ट्यून करेंगे। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए। स्टॉक आज मोरलेस फ्लैट है, करीब 1.5% के आसपास ही गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया परफॉर्मेंस लोअर लेवल से स्टॉक में हमने देखी हुई है। लौटते हैं वापस अपने तीनों जानकारों के पास और शुरुआत करते हैं कॉल्स का सिलसिला। प्रशांत का पोर्टफोलियो सबसे पहले लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस उनके पोर्टफोलियो में सो फार देखने को मिल रही हैं, प्रशांत के जो रिटर्न्स हैं ये, अच्छा ये ब्रिजेश का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, जी शिपिंग उन्होंने कॉल दी थी जहाँ प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं, ज्योति लॉब दूसरी कॉल थी वहाँ पर प्रॉफिट्स बुक कर लें, सी जी पावर को वो होल्ड कर रहे थे वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, कल एक अच्छी परफॉर्मेंस है सी जी पावर में। ब्रिजेश के पास ब्रिजेश एक कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, मुझे इरकॉन रेलवे स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है कि अभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मैं मोमेंटम प्ले करना चाहूंगा इरकॉन पे, मुझे लगता है कि हमें बाइंग लेनी चाहिए करंट प्राइस पे, 233 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट है 255 का देख रहा हूँ, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जी। तो 6.5% के आसपास की तेजी, इरकॉन डे हाई के आसपास आप लॉन्ग साइड पे इसको देख सकते हैं, 238-239 के जोन पर भी ये कामकाज कर रहा है और खरीदारी करके चलने की राय आपको इरकॉन के अंदर दिखाई पड़ रही है। पहली कॉल जो बाय साइड पर है वो है इरकॉन। अच्छा, अगला पोर्टफोलियो लेकर आइए अब प्रशांत का, किस तरह का रिटर्न वहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कौन कौन से कॉल्स उनकी तरफ से थे। प्रशांत ने जो अपना पोर्टफोलियो दिया है उसके हिसाब से उन्होंने जोमैटो में एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट्स बुक कर लिए ब्रिटानिया में, सिप्ला में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, मॉयल और क्रॉम्पटन वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रशांत आपकी तरफ से आप कॉल। जी सुमित जी, मेरी पिक होगी PNL, ये करीबन 271-250 के आसपास प्रशांत के दो बोले थे। हेलो जी, RVNL मेरी पिक होगी, तो यहाँ पे 271-50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 240 का स्टॉप लॉस रख के जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 310। तो 240 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे RVNL में 310 रुपए के टारगेट के लिए। दोनों ही जानकारों को रेलवेज पसंद आ रहा है, इरकॉन और RVNL। खैर, आगे ओम के पोर्टफोलियो को भी लेकर आइए, ओम का पोर्टफोलियो किस तरफ रुख कर रहा है, क्या क्या पोर्टफोलियो में उनके पास कॉल्स हैं।
तो हुडको वो होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं वो पीआई इंडस्ट्रीज से। गोदरेज में उनका जो एक सेल कॉल था वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। तो दो कॉल का स्कोप यहाँ पर भी है। पहली कॉल आपकी तरफ से ओम जी, मेरा पहला कॉल रहेगा यहाँ पे बीएससी का। अब बीएससी लगभग 2657 के आसपास यहाँ पे अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अब रखेंगे 2590 का, और टारगेट रहेगा यहाँ पे 2800। तो बीएससी लिमिटेड यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब करीब 2670-2660 के जोन में कामकाज कर रहा है। 2800 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 2590 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो ये पहली कॉल जो कि ओम की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। तीन कॉल्स हो चुकी हैं, दो कॉल्स अभी बाकी हैं, उन पर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरा मिड कैप इंडेक्स लेकर आए कि मिड कैप इंडेक्स में एक स्पाइक और डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अच्छी खरीदारी दोनों इंडिसीज में, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर आ चुका है 50,000 के जोन्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है, वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है 0.25% की उछाल के साथ। एडवांस डिक्लाइन और बेटर हुआ है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर वन, और मार्केट्स के अंदर रफ्तार वापस लौटी है। 80 अंकों की बढ़त अब निफ्टी में हो चुकी है। सेंसेक्स करीब 150 अंक ऊपर आ चुका है। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी 51 अंक ऊपर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक जोरदार एक्शन है। करीब 0.5% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% ऊपर अब आ चुका है। डे हाई पर दोनों इंडिसीज कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब दो कॉल्स और बाकी हैं, तो ब्रिजेश आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित जी, इंजीनियर्स इंडिया में मैं एक ट्रेड देख रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। करेंट प्राइस में हम बाय लेंगे, इसका जो स्टॉप लॉस है 232 का रहेगा, और जो टारगेट रहेगा 258 का। 258 के टारगेट्स के लिए आप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लॉन्ग साइड पे देखेंगे, 232 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे, 237 के आसपास का अभी का दाम देखने को मिल रहा है। ओम आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी, मेरी दूसरी कॉल रही यहाँ पे वेदांत फैशन, जिसे हम मान्यवर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकला है, और करंट भाव अप्रोक्स 1003 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, तो इसका 960 का स्टॉप लॉस लेकर के हम 1180 के लिए यहाँ पे इसका टारगेट, 1180 के टारगेट्स के लिए वेदांत फैशन यानी कि मान्यवर के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। 960 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो पांच कॉल्स जो कि सभी जानकारों की तरफ से होनी थी वो पूरी हो चुकी हैं। एक एक करके जरा इनके पोर्टफोलियोज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रशांत के पोर्टफोलियो के साथ। प्रशांत क्रॉम्पटन को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 380 के टारगेट्स के लिए। मॉयल उनकी दूसरी कॉल है 495 के टारगेट्स के लिए, और RVNL उनकी नई कॉल है 310 के टारगेट्स के लिए, 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन है वो भी देख लीजिए प्रशांत किस तरह से कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है तीनों कॉल्स की तरफ से। क्रॉम्पटन 0.5% पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, मॉयल 2.5%, और RVNL फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट कर रहा है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो में उन्होंने दो कॉल नए ऐड किए हैं, इरकॉन और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इरकॉन करीब करीब 255 के टारगेट्स के लिए, और EIL 258 के टारगेट्स के लिए, आप इसे भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इरकॉन 0.5% और EIL करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओम के पोर्टफोलियो में भी दो एडिशन है, उन्होंने BSE को ऐड किया है, हुडको उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉल है। BSE 2800 के टारगेट्स के लिए, और वेदांत फैशन 1180 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग किया है। 960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज हुडको करीब 3.5% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, BSE 1% के आसपास, और वेदांत फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिटर्न वाइज तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब ओम लीड कर रहे हैं 5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, प्रशांत 3.5%, और ब्रिजेश करीब करीब 3% के आसपास रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तीनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बाजार पर बातचीत करने के लिए, और सभी शेयरों पर भी अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स डे हाई की तरफ जा रहा है, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट से जुड़े अपडेट और इंपॉर्टेंट इवेंट पॉलिटिकली कुछ ही देर में।